अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ब्लिशी मोनोकुलर के हवाले से। आज हम लोग इसके बारे में जान लेंगे, इसकी आज हम लोग एक टेस्ट वीडियो बनाएंगे, इसकी इमेज क्वालिटी की बात करेंगे और फील्ड ऑफ व्यू की बात करेंगे और इसकी मेडिन वगैरह की बात करेंगे। दोस्तों, ये ब्लिशी कंपनी की बनाई हुई दूरबीन है और ये 16x पावर में है, 16x पावर में है और 52 mm इसकी ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। और ये जो है इसकी जो फील्ड ऑफ व्यू है वो यहाँ पर लिखी हुई है 66 m 8000 m। फील्ड ऑफ व्यू इसकी अप्रोक्सीमेटली है तकरीबन 5 तक है, इसकी फील्ड ऑफ व्यू 5 तक है। और दोस्तों, ये कॉम्पैक्ट साइज मोनोकुलर है, आप लोग इसको जेब में डाल सकते हो, आप लोग देख सकते हो, ये बहुत ही छोटा मोनोकुलर है। तो दोस्तों, ये मेड इन की अगर हम लोग बात करें तो ये मेड इन चाइना है, ठीक है, ओरिजिनल नहीं है, ये मेड इन चाइना है, चाइना के जो आते हैं ये वो है। तो अभी हम लोग इसके एक टेस्ट वीडियो बनाएंगे। इमेज क्वालिटी की बात करें तो इमेज क्वालिटी इसकी नॉर्मल है, बस अच्छी भी नहीं है, बुरी भी नहीं है, नॉर्मल है। यानी जो जापान की जो इमेज क्वालिटी होती है उस तरह नहीं है, उससे थोड़ा कम है। जो चाइना की जो दूरबीन आते हैं उस तरह है। तो दोस्तों, चलो वीडियो की तरफ जाते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात बताऊं कि मौसम बहुत ख़राब है, आप लोग देख सकते हो पहाड़ों की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुबार है। तो हम लोग पहाड़ों को आज छोड़ेंगे, पहाड़ों को फोकस नहीं कर पाएंगे, ये जो नज़दीक बिल्डिंग वगैरह है उसको फोकस करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो की तरफ जाते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये इसके जो एडजस्टर है वो एक ये लगी हुई है फोकस करने के लिए, ये आई पीस घूमती है, और एक जो है वो ये लगी हुई है, इससे भी फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ जाते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो इसकी इमेज क्वालिटी और फील्ड ऑफ व्यू। 100% मुझे कंफर्म नहीं है कि इसकी फील्ड ऑफ व्यू 5 है, लेकिन 5 से मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि 5 इतनी ज़्यादा नहीं होती है। पहाड़ को भी देख सकते हो, लेकिन ये है कि मौसम जो है सही नहीं है, तो इस वजह से हम लोगों को सही इमेज नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप लोगों को हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।